दोस्तों फुल सॉन्ग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉपीराइट की वजह से म्यूजिक बंद कर रखा है। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टिकटॉक हमारे इंडिया में पूरी तरीके से बैन हो चुका है। तो टिकटॉक कब वापस आएगा इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं आई है। तो फिलहाल जो ऐप ट्रेंड में चल रहा है वो रोपोजो ऐप। अगर आप रोपोजो ऐप पर वीडियो बनाते हो तो आप बहुत ही जल्दी फेमस हो सकते हो। तो आज मैं जिस वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ उस वीडियो को अभी तक रोपोजो ऐप पर किसी ने भी अपलोड नहीं किया है। अगर आप कुछ इस तरह का यूनिक कंटेंट बनाकर अपलोड करते हो तो आपकी वीडियो वायरल होने का चांस बहुत ही ज्यादा है। तो इससे पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और हमारे YouTube चैनल ESR की टैक में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ट्रेंडिंग वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। और हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी रोपोजो ऐप पर कुछ लाइक और फॉलोवर बढ़ा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। और आपको इस वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो स्किप करते हो तो आप ये वाली वीडियो पूरी तरीके से नहीं बना पाओगे। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, वहीं पर चलकर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि इस वीडियो को एडिट कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में पावर डायरेक्टर ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आपको एक्सपर्ट रेशो लेना है वो लेना है 9.16 का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको एक कलर बोर्ड सिलेक्ट करना है और इस कलर बोर्ड का साइज आपको 15 सेकेंड तक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी गैलरी में से एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फिर इस फोटो लेयर पर टैप करना, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, फेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके फेड को ऑफ कर देना है। और इस फोटो लेयर पर टैप करके आपको इसे स्क्रीन के साइज़ में कर लेना है। फिर इस फोटो लेयर पर टैप करना और आपको इसे इस बैकग्राउंड के बराबर कर देना है। इसके बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आपको इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। फिर इस वीडियो लेयर पर टैप करना, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके वॉल्यूम को ऑफ कर देना है। फिर इस वीडियो लेयर पर टैप करना, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, फेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके फेड को ऑफ कर देना है। और इस वीडियो लेयर पर टैप करके आपको इसे स्क्रीन के साइज में कर लेना है। फिर इस वीडियो में आपको ग्रीन वाली जगह को सर्च करना है। इस जगह को सर्च करने के बाद आपको इस लेयर पर टैप करना, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, क्रोमा की पर क्लिक करना है और जो की कलर है वो ग्रीन सेलेक्ट करना, जगह पर रखकर दबा देना। देन यहाँ से कलर एडजस्ट करना है। आपको कलर रेंज को इस तरीके से एडजस्ट करना ताकि आपका सही तरीके से एडजस्ट हो जाए। आपको कलर रेंज 50% कर देनी है और डिन इसको 30% कर देना है। देन आपको वीडियो प्ले करना है। तो आप देखो हमारा फोटो थोड़ा आउट आ रहा है। आपको फोटो वाले लेयर पे टैप करना और इसे इस कुछ प्रकार से एडजस्ट करना जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ पर कर देना है। देन आपको वीडियो प्ले करनी है। तो आप देखोगे हमारा वीडियो बन के तैयार हो चुका है। फिर आपको अर्बन निशान पर टैप करना है, प्रोड्यूस वीडियो पर क्लिक करना है, सेव टू गैलरी पर क्लिक करके प्रोड्यूस पर क्लिक कर देना। कुछ लोडिंग लगा और आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।